दोस्तों, आप सभी को आज मैं कैसे स्टॉक के बारे में बताने जा रहा हूं, जिस स्टॉक ने पिछले 5 साल में 9 गुना रिटर्न दिया है और पिछले 10 सालों में 16 गुना रिटर्न दिया है। इस स्टॉक को बताने से पहले आप सभी का मैं स्वागत करना चाहता हूं अपने चैनल पर, आपके चैनल पर वेल्दी विथ मल्टीवैगर। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले इस चार्ट को देखिए आप। ये चार्ट जो है, अब जैसे देखेंगे कि किस तरह इस कंपनी, इस पर्टिकुलर स्टॉक जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ, ये स्टील सेक्टर से है और इस कंपनी का आप देखेंगे कि पिछले 10 सालों में करीब करीब 106 रुपये का हुआ, लेकिन 10 सालों में 16 गुना रिटर्न दिया है, 1599% का रिटर्न दिया है। अब देखिए, इस स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो 140 करोड़ का है, तो छोटी सी माइक्रो कैप की कंपनी है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है, 30 का चल रहा है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी से थोड़ा ज़्यादा है। और बुक वैल्यू देखिए, 18 रुपये का बुक वैल्यू और प्राइस देखिए 106 रुपये का, तो अपने बुक वैल्यू से भी बहुत ज़्यादा ये चल रहा है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा आप देख सकते हैं। और डिविडेंड यील्ड देखिए कुछ नहीं दे रही है कंपनी, रिटर्न ऑन कैपिटल 21% का और देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी 19 और फेस वैल्यू 10 का चल रहा है, तो कितना अच्छा बोल सकते हैं। और पेग रेशियो देखिए, यहाँ पर एक और चैलेंज क्या है कि कंपनी का जो पेग रेशियो है वो भी आप देखेंगे 1 का चल रहा है, जबकि 1 से कम होना चाहिए, तो कुल मिला के आप कह सकते हो फ्लैट पेग रेशियो है। इक्विटी कैपिटल 13.2 है, जो कि कुछ पिछले कुछ सालों में कंपनी ने अपने इक्विटी कैपिटल को बढ़ा लिया है, तो यहाँ भी एक थोड़ा सा कंसर्न है कंपनी के लिए। और यहाँ पर करंट रेशियो देखिए 1.57, इसका मतलब कि कंपनी का जो एसेट है उसकी लाइबिलिटी से 1.57 ज़्यादा है। और यहाँ प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए, ये 5 गुना चल रहा है, यहाँ पर देखिए 5.84 गुना चल रहा है इसका प्राइस टू बुक वैल्यू। अगर इसके आगे की बात करें तो इसका ग्रोथ फैक्टर देखिए कितना एक्सीलेंट ग्रोथ फैक्टर है, 6 के ग्रोथ फैक्टर को आप अच्छा कह सकते हैं, और पायोट्रॉस्की का 6 होना ये भी अच्छा माना जाता है। रिटर्न ऑन एसेट देखिए, कंपनी ने 3% का रिटर्न ऑन एसेट दिया है, जो कि कुल मिला के आप कह सकते हो बहुत ही कम है, लेकिन कंपनी का जो ओवरऑल ग्रोथ है ये बहुत ही शानदार चल रहा है। और कंपनी का डेट टू प्रॉफिट देखिए, ये भी बहुत ही शानदार है, 1.56, मतलब कंपनी के पास जो भी डेट है उसको बहुत जल्दी कंपनी रिपे कर रही है। ठीक है, अभी इसके आगे देखते हैं। इसका अल्टीमेट स्कोर देखिए 10 का चल रहा है, सबसे बेस्ट। इस पूरे स्टॉक के सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखेंगे आप, इसका अल्टीमेट चेयर स्कोर वो 10 चल रहा है, और इसका इंट्रिंसिक वैल्यू से इसका जो करंट प्राइस है थोड़ा ज्यादा है। आप देखिए इसका इंट्रिंसिक वैल्यू से करंट प्राइस जो -92 दिख रहा है, तो कुल मिला कह सकते हैं फ्लैट है। सॉलिड चेक देखिए 1.43, यहाँ पर ये एक सबसे कंसर्न वाली बात है, किसी भी कंपनी का सॉलिड चेक हमेशा 1 होना चाहिए या 1 से कम होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कंपनी का जो 1 से ज़्यादा चल रहा है सॉलिड चेक। और EPS ऑफ लेटेस्ट क्वार्टर देखिए आप, कंपनी का जो है वो 0.87 है, पूरे साल का EPS 3.49 है। पूरे 10 साल में जो सेल्स है वो 18 से 19% का कंपनी जो सेल्स ग्रोथ कर रही है, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो कम से कम 20 से 21% का प्रॉफिट ग्रोथ है। और यहीं पर अनप्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग 73.37, प्रमोटर की इतनी जबरदस्त कॉन्फिडेंस इस कंपनी स्टॉक के बारे में कि आने वाले कई सालों तक कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है, ऐसा प्रमोटर सोच रहे हैं। लेकिन एक बार आप अपने एडवाइस से जरूर बात करें किसी भी सिचुएशन लेने से पहले। पिछले 10 क्वार्टर का आप रिजल्ट देखिए, किस प्रकार इनका सेल्स बढ़ता चला जा रहा है, और पिछले कुछ क्वार्टर में देखिए 19% का इसने जून में अपना सेल्स जो है दिखाया है ग्रोथ, और करीब करीब 28.93 करोड़ का सेल्स कंपनी कर रही है लेटेस्ट क्वार्टर के हिसाब से। पिछले 10 क्वार्टर का ये बीटा आप देखेंगे तो वो भी देखिए बीटा किस तरह 2 करोड़ के हिसाब से चल रहा है, बढ़ रहा है, और कंपनी ने 48% का ग्रोथ दिखाया है अपने बीटा में, जो कि बहुत ही शानदार है पिछले जून क्वार्टर के हिसाब से। अब यहाँ से जब से पिछले 10 क्वार्टर का इंटरेस्ट कितना, कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा बढ़ गया है, 15 लाख रुपए इंटरेस्ट पे कर रही है कंपनी, तो यह भी थोड़ा आप कह सकते हो कि ठीक ठाक ही चल रहा है। उसके भी अगर आप उसका बेटा 2 करोड़ का, उसमें से 15 लाख रुपए अगर इंटरेस्ट दे रही है तो कुछ नहीं। अब यहाँ पैड देखते हैं, पैड देखिए 1.15 करोड़ का पैड बना रही है कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और यहाँ पर देखिए 58% का कंपनी ने ग्रोथ दिया है जून क्वार्टर के अंदर। अब इसके देखिए पिछले 10 क्वार्टर का EPS ग्रोथ देखें तो क्या जबरदस्त कंपनी का इंक्रीज हो रहा है EPS। देखिए यहाँ पर EPS ग्रोथ 0.88 चल रहा है, और कंपनी का अगर पिछले 10 साल की अगर बात करें, पिछले 10 साल में कंपनी ने कैसा परफॉर्म दिया है, तो आप देखेंगे कंपनी का जो सेल्स है वो कैसे 98 करोड़ तक पहुंच चुका है। कहां ये 20 करोड़ का सेल्स करती थी, 22 करोड़ का करती थी 2016-17 में, लेकिन अभी 100 करोड़ के अराउंड पहुंचने वाली है कंपनी। गजब का डिमांड चल रहा है कंपनी के प्रोडक्ट का। अब देखिए कंपनी का जो ग्रोथ है अभी लेटेस्ट क्वार्टर में जून लास्ट करंट ईयर के हिसाब से 28% का कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है साल दर साल। एबिटा की बात करें तो कि एबिटा कम 8 करोड़ कंपनी एबिटा बना रही है, एबिटा ग्रोथ देखिए आप साल दर साल के हिसाब से 50% का एबिटा ग्रोथ कंपनी कर रही है, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट देखिए कंपनी का जो एबिटा मार्जिन है वो भी 8% की कंसिस्टेंट कंपनी जो है 7.5% से 8%
कर रही है। इंटरेस्ट देखिए कितना शानदार है, कंपनी का इंटरेस्ट भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 57 लाख रुपए का इंटरेस्ट। आप देखिए 9 करोड़ कंपनी बना रही है, 7 करोड़ 8 करोड़ बना रही है, उसमें से अगर 50 लाख इंटरेस्ट पे करें तो मार्जिनल कह सकते हैं। कंपनी का जो पैट है यहाँ देखिए पिछले 10 साल में 4.6 करोड़ का कंपनी पैट बना रही है, उसमें से पैट ग्रोथ भी देखिए 45% का पैट ग्रोथ है साल दर साल। अब यहाँ देखिए ईपीएस जो है आप देखेंगे 3.49 इसका ईपीएस है जून में, और जबकि 45% का कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिखाया। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 19% का रिटर्न ऑन इक्विटी और 21.2% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन एसेट 11.48% का है पिछले 2023 के हिसाब से। इसका बुक वैल्यू भी देखिए किस प्रकार बढ़ गया है, 4 रुपये का बुक वैल्यू होता था जो कि 18 रुपये पर पहुंच चुका है, गजब का रिटर्न दिया है कंपनी ने। इसका वर्किंग कैपिटल देखिए कितना अच्छा इंप्रूव हो गया है, पहले 60 दिन लगता था किसी पैसे को पेमेंट को आने में, जबकि अभी 28 दिन के अंदर ही पैसे पेमेंट आ रहे हैं इनके। सबसे ज्यादा मैटर ऑफ कंसर्न क्या है किसी भी शेयर होल्डर के लिए, किसी भी पर्टिकुलर इन्वेस्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनी का जो शेयर है वो डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए डाइल्यूट कर रही है कंपनी अपने इक्विटी को, 13.18 कर ली है, और कंपनी का रिजर्व भी थोड़ा सा कंसिस्टेंट नहीं है, फ्लक्चुएट कर रहा है। तो हो सकता है कि ये जो कोविड आया था जिसकी वजह से सारा सिनेरियो डेवलप हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे कंपनी ट्रैक पा रही। नॉन करेंट लायबिलिटी जो है वो थोड़ी बढ़ गई है कंपनी की, 5.52 करोड़ नॉन करेंट लायबिलिटी, जबकि करेंट लायबिलिटी भी कंपनी का 7.51 करोड़ है। और कंपनी की करेंट नॉन करेंट एसेट की बात करें तो 25 करोड़ का नॉन करेंट एसेट है, और कंपनी के पास करेंट एसेट की बात करें देखिए कैश एंड बैंक 80 लाख रुपए है, मार्केट से पैसे 2.5 करोड़ आने हैं, और उनके पास इन्वेंट्री करीब 7.5 करोड़ का इन्वेंट्री पड़ा हुआ है। और कंपनी के 10 क्वार्टर की प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर एकदम एग्जैक्ट होल्डिंग कर रही है 73.37, जबकि कुछ सालों में उसने बढ़ाया भी, एक प्रमोटर अपने होल्डिंग को बढ़ाया है, पहले 73.09% था, बढ़ के 73.37 हो गया। पब्लिक होल्डिंग देखिए FII ने अपनी पोजीशन बढ़ा के 0.09% कर लिया, जबकि नॉन इंस्टीट्यूशन 26%। कंपनी का नाम समझिए क्या है, कंपनी का नाम है बंसल रूफिंग प्रोडक्ट लिमिटेड। ये 2008 में स्टैब्लिश हुई थी कंपनी, सक्सेसफुल इसकी बिजनेस इसका चल रहा है, BSE SME पे इसकी लिस्टिंग है, और ये कंपनी जो है और डिफरेंट आपको रूफिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इसके प्रोडक्ट के बारे में अभी आने वाले सेशन में देखिए समझते हैं। कंपनी का जो रिसेंट अपडेट आया है कि इससे सेकेंड फेज का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो भी कंप्लीट हो गया, कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है, इससे प्लांट जो है फेज 3 का प्लांट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वो अंडर प्रोग्रेस में चल रहा है। और कंपनी का बाकी सारी चीज़ों को समझिए तो रूफिंग प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, रूफिंग प्रोडक्ट में ये सारे देख सकते हैं आप किस प्रकार के ये रूफिंग प्रोडक्ट कंपनी और डिफरेंट एक्सेसरीज प्रोवाइड करती है, यहां से आप देख सकते हैं। कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं एलम्बिक है, BHEL है, GMM फॉर्डलर है, ABB है, रूबामीन है, लार्सन एंड टर्बो है, टाटा केमिकल्स है, जगन्नाथ स्टील है, ये सारी टॉप कंपनियां इनके कस्टमर्स है, क्लाइंट है। और बाकी आप सभी से अनुरोध है कि किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एडवाइजर जरूर बात करें, समय देने के लिए।